कटिहार शहर में इन दिनों लगातार गायों की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में लॉकडाउन के दौरान करीब 20 से 25 गायों की चोरी होने की सूचना मिल चुकी है। इसी तफ्तीश के दौरान 3 अलग अलग सीसीटीवी की फुटेज हाथ लगे, जिसे मुहैया कराने वाले लोगों का दावा है कि ये गाय चोरी की लाइव तस्वीर है। मेरा गाय चोरी हो गया है 10 मई को, और जब हमने लोकेशन के आधार पे, जानकारी के आधार पे जब सीसीटीवी फुटेज जांचा गया, तो उसमें जो है एक बाइक से और उसके साथ में एक आदमी और है, मेरी गाय को हांकते हुए जो है सलामत नगर की ओर ले जा रहा है। ये फुटेज में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बाइक नंबर भी है और बाइक जो चला रहा है वो भी पहचान में आ रहा है, जो लड़का है उसके साथ में वो भी पहचान में आ रहा है। उसके आधार पर हम आज आवेदन देने आए हैं। देने के लिए आए हैं। क्या है मामला बाबू? 2 गाय चोरी हुआ है। गाये के कमा से हम खाते हैं, ना मेरा पति है ना बेटा है, कोई नहीं है मेरा, हम उसी गाय के कमा से खाते हैं बाबू। कब चोरी हुई थी गाय? 15 अगस्त का ही चोरी हुआ है। अभी तक नहीं मिला? नहीं बाबू, पागल हो गया। आज गाय, आज आवेदन देने आए हैं? हाँ बाबू। क्या को गाय था आपका? हमारा गाय सबको बच्चा है, 2-3 गाय। कहाँ गाय हुआ? यही चुना गली हम जी रोड बिल थे बाबू। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक मोटरसाइकिल में 2 लोग सवार हैं, जिसमें से एक तेजी से चल रहे मोटरसाइकिल से उतरता है और 2 गायों को अपनी दिशा के मुताबिक दिशा देते हुए कहीं ले जा रहा है। कटिहार शहर के अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में ये दोनों गायें और यही दोनों व्यक्ति गायों को अपने हिसाब से दिशा देते हुए कहीं लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कटिहार शहर से गाय चोरी के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, पर इस मामले को लेकर पुलिसिया सतर्कता और जांच पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।